हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम अपने व्लॉग की स्टार्टिंग आज कर रहे हैं 4:30 बजे से, शाम के 4:30 बज चुके हैं शाम के। और हमने मॉर्निंग में आज काम किया है, आज ना हमने अपने स्टोर की क्लीनिंग की है, स्टोर की नहीं मंदिर की कह लीजिए। तो ये देखिए, हम आपको दिखाते हैं अपना ये मंदिर है, और थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा सामान भी कह सकते हैं या फिर सामान रखा हुआ है, ये अलमीरा रखी हुई है जिसमें पीओ की टॉयज है और कान्हा जी का सामान है, और थोड़ा सा ये जो हमारा सामान है ये रखा हुआ है इसमें। तो हाँ जी, और अभी ना हम पीओ ने सेटिंग ख़राब कर दी थी यहाँ की, मैं वही सेट कर रही थी। ये देखो नीचे मैंने खाली कर दी थी ये वाली शेल्फ, लेकिन भर दी पीओ ने। और अभी हमें शॉप पर नहीं जाना है, थोड़ी देर में जाएंगे आज हम। सुन लो हीरोइन की, हेलो नायरा की भी हेलो सुन लो। और आज हम अब जा रहे हैं ऊपर वाले रूम में अपनी स्टिचिंग करने के लिए। स्टिचिंग आज करनी है हमें, ये देखो मोर पंख वाली ड्रेस बनाएंगे आज हम। तो चलिए आप भी हमारे साथ ऊपर वाले रूम में चलते हैं, ये बड़ी अच्छी लगती है मोर पंख। ये देखिए, ये हमारा ऊपर वाला रूम है जहाँ पर हम अपनी ड्रेस मेकिंग एंड स्टिचिंग का काम करते हैं। एक सिलाई मशीन उधर है, दूसरी ये यहाँ पर है, ये है इंटरलॉक वाली, एंड नीचे चटाई है क्योंकि बच्चा भी मेरा ऊपर ही साथ में आता है, मेरे साथ ही। मैं इसको मोस्टली अपने साथ ही रखती हूँ घर पे, ताकि ये घर में रह के नीचे तोड़ फोड़ ना मचा सके, जस्ट जॉकिंग। बट ये कि इसको भी ऊपर ले आती हूँ, यहीं पर ही बैठी रहती है, पढ़ाई करनी हो खेलना हो तो यहीं पर ही खेल लेती है। और आज इस रूम की ना क्लीनिंग नहीं हुई है, कल स्टिचिंग की थी, सलवार स्टिच कर रही हूँ फ़िलहाल। तो मैं अपना एक ये करके फिर ड्रेस मेकिंग करेंगे। हेलो, हम अभी आ गए हैं शॉप पर, तो 1 से 2 घंटे अभी हम शॉप पर रुकेंगे, उसके बाद घर चले जाएंगे। अभी हेलो, हम यहाँ अंधेरे में हैं क्योंकि लाइट जा चुकी है और हस्बैंड कहीं बाहर गए हुए हैं, और मैं बस यही अपडेट करने के लिए क्या करें, बोर हो रहे थे कि चलिए एकदम से यही वीडियो ही बना लेते हैं। माइंड में आया कि चलिए वीडियो शूट कर लेते हैं। कुछ नज़र नहीं आ रहा है, मेरे स्पेक्स नज़र आ रहे होंगे आपको। और 7:15 का टाइम हो चुका है, अंधेरा हो गया है बाहर। अभी ना शॉप पे इन्वर्टर नहीं है, अब लाइट आ गई है एंड फ्री है अभी भी, क्योंकि जिनसे कस्टमर से बात चल रही थी वो भी ऑफलाइन है और फ़ोन भी नहीं वो उठा रहे हैं, तो मैं ऑर्डर कैसे ले पाऊँगी। और मैं यहाँ पर बैठी बैठी बोर हो चुकी हूँ, और पीहू नीचे बैठी हुई है, चेयर पे ही बैठी हुई है। अभी भी लाइट आई है एंड थैंक गॉड कि फ़ोन किया था हस्बैंड को भी, जल्दी आ जाओ, कह रहे हैं 5 मिनट लगेगी। तो चलिए, आज हमारा डिनर देखिए क्या बन रहा है। ये बन रही है नमकीन, नहीं मीठी सेवियाँ, जवे बोलते हैं हम तो इसे। और ये ना पक पक के ना बिल्कुल जो सिन गैस पर करके बनाते हैं ना, उसका टेस्ट अच्छा आता है, और मुझे ज़्यादा दूध वाली अच्छी लगती है। तो फिर ना टीवी की आवाज़ बहुत तेज़ आ रही होगी आपको, क्योंकि आजकल ना फ़ैन चलने लग गए हैं जैसे, तो टीवी की आवाज़ ना तेज़ करनी पड़ती है तभी सुनती है, ऐसे कम में ना सुनती नहीं है। मैंने यहाँ पर ना बेड ओपन कर लिया है, और इसमें स्टॉपर नहीं है, तो मेरे को स्टॉपर का तरीका आपने देख ही लिया होगा। एंड थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी है यहाँ पर, ब्लैंकेट रखने के लिए स्पेस बनानी है, क्योंकि ब्लैंकेट मैं पेटी में नहीं डालती हूँ, ब्लैंकेट मैं रखती हूँ बेड के दराज में ही, बेड के बॉक्सेज में, दराज नहीं कहूँगी। पीओ की विंटर यूनिफॉर्म अंदर रखनी है, समर वाली निकालनी है, और मैं इसके अंदर ढूंढ रही थी, मैंने ना न्यू स्कर्ट ही पुराने कपड़ों में रख दी थी इसकी, और फिर याद आया ओहो ये तो डालनी है अभी, और बस साथ के साथ ही मैंने रख दी और वो वाली निकाल ली समर की। वैसे इसकी न्यू आएंगी ड्रेस, एंड यहाँ पर ये जो बॉक्सेस हैं ना ड्रेसेस के, इसमें पीहू की ड्रेस रखी हुई है, लहंगे हैं इसमें इसके, और एक वो जो येलो सी पॉलीथीन पड़ी हुई है उसमें भी पीहू का ना जो हरियाणवी डांस वाला लांचा है वो है। और अभी मैं यहाँ पर स्पेस बना लेती हूँ ब्लैंकेट रखने के लिए। एक ब्लैंकेट वॉश हो चुका है, एक कल वॉश करेंगे, वॉश क्या करेंगे, मशीन ही वॉश करेगी, मुझे तो बस निकालना है और फहराना है। पहले प्रॉब्लम होती थी जब हाथों से धोने पड़ते थे ब्लैंकेट, बट अब तो टेंशन ख़त्म है। एंड ये देखिए हो गई स्पेस, ये जो टाइल्स हैं ये फटे हुए हैं मतलब, तो पोछे वगैरह में काम आ जाते हैं, इसलिए मैंने एक जगह रखे हुए हैं, और वो वाइट सी पॉलीथीन में भी सारे ना फटे हुए और पुराने वाले कपड़े हैं। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे। हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड इवनिंग। 4 बज चुके हैं, हाँ जी पूरे 4 हो गए, और हमने अभी ना रील्स बनाई हैं काफ़ी अच्छी अच्छी साड़ी पहन के,
तो वो देखने के लिए आपको ना मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाना पड़ेगा। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है अर्चना गुज्जर व्लॉग्स के नाम से, और हमने ना अब पीहू के चैनल के लिए एक वीडियो शूट करनी है, तो उसी के लिए पीहू अपना सामान लेकर आई है और वो शो करने वाली है कि उसने अपनी गुड़िया के लिए नए नए कपड़े कौन से लिए हैं और कैसी लगने वाली है उसकी डॉल उनको पहन करके। एक्चुअली ये कान्हा जी के जो वस्त्र आते हैं ना, वो वस्त्रों में से लेकर आई है, कपड़ों में से उनमें से ही, और जो जो कान्हा जी के हैं। तो आप इस डॉल के लिए, इस नायरा के लिए जो भी आपको मतलब देखना है इसकी शॉपिंग हमने क्या क्या की है, तो पीहू के चैनल पर जाकर देखिएगा। अभी 7:45 का टाइम हो गया है। मैं व्लॉग करते टाइम ना स्टार्ट आपके साथ ना टाइम ज़रूर शेयर करती हूँ, मेरी हैबिट बन चुकी है। आप लोगों को लगता होगा पता नहीं क्यों टाइम बताती है। एंड आज हम बना रहे हैं कोफ्ते, घिया के कोफ्तों की सब्ज़ी। पीहू को अच्छे लगते हैं, मैं तो सिंपल घिया बना लेती पर इसने मना कर दिया कि मैं घिया नहीं खाऊँगी, और क्योंकि ना वो घिया ना काफ़ी ज़्यादा वेस्ट हो गई थी, बीच में से ना सॉफ्ट थी तो फिर वो कद्दूकस नहीं हो रही थी, तो मेरे को लगा कि कम हो सकते हैं बट नहीं, सफिशियंट रहेंगे। पीहू अभी छत से आई है वाईफाई चला करके, इसके एग्ज़ाम्स तो ख़त्म हो गए हैं तो आजकल चल रही है इसकी मौज मस्ती, और आजकल हम इसके चैनल के लिए वीडियोज़ वगैरह बना रहे हैं क्योंकि अब तो बच्चे फ्री हैं, देखिए इन सब चीज़ों में तो ध्यान दे ही सकते हैं। एंड थोड़ी सी डॉल के लिए शॉपिंग भी की है इसने, शायद मैंने आपको अपनी वीडियो में बता दिया था पहले। और हस्बैंड अभी शॉप पर है, मैंने उनको कॉल किया है कि मुझे भी जाना है, थोड़ा सा सामान लेकर आना है, तो अभी मैं व्लॉग को रोक देती हूँ। और कोफ्ते तो मैंने आपको दिखाए हैं कैसे बना लिए थे, और अभी मैं इनको तड़का लगा रही हूँ, तो प्याज नहीं डालूंगी, कान्हा जी का भोग भी लगना है। ऑयल में मैंने यहाँ पर डाल लिया था जीरा, धनिया, थोड़ा सा हींग एंड सौंफ भी डाली थी, थोड़ा सा ना मतलब जो इसकी तरी होती है सब्जी की वो गाढ़ी सी हो जाती है। और यहाँ पर भी मैंने टमाटर डाल लिए, हरी मिर्च नहीं थी घर में तो यूज़ नहीं की, तो बाकी मसालों में मैं हल्दी, मिर्च, चना मसाला एंड नमक ऐड करूँगी। और चना मसाला कई बार मैं ऐड कर लेती हूँ, कई बार नहीं करती हूँ। और अभी इसको टमाटर को अच्छे से मतलब तब तक पका लूँगी इनको मैं अभी, जब तक ये अच्छे से मैश ना हो जाएं, और जब ये मैश हो जाएंगी तो इसमें मैं वाटर ऐड कर दूँगी। वाटर ऐड करने के बाद उसमें उबाल आने दूँगी, उबाल आने के बाद जो कोफ्ते बनाए हैं वो ऐड कर दूँगी। और कोफ्तों में मैंने क्या ऐड किया था, बेसन और घिया कद्दूकस करके, नमक, मिर्च और थोड़ी सी हल्दी, और उसी से ही हमारे जो कोफ्ते हैं बहुत ही अच्छे बन गए। मैंने उसमें मीठा सोडा वगैरह कुछ नहीं ऐड किया, कुछ लोग करते हैं मीठा सोडा ऐड ताकि वो पकोड़े जो हैं सॉफ्ट हो जाएं, लेकिन मेरे पकोड़े जो कोफ्ते थे वो ऐसे ही सॉफ्ट हो गए थे। एंड मैं आपको सच बताऊँ, मेरे कोफ्ते फर्स्ट टाइम इतने अच्छे बने थे, वरना कभी ये हो जाता था कि पकौड़ों की शेप नहीं अच्छी आती थी, कभी उनका टेस्ट नहीं अच्छा होता था, लेकिन आज सब कुछ अच्छा था, शेप भी सही थी, परफेक्ट साइज़ था, ये देखिए ये रहे, एंड परफेक्ट उसमें सब कुछ तरी वगैरह थी। हाँ, कोफ्ते ना बाद में जो पानी का लिक्विड हो उसका सब्ज़ी का जो तरी होती है वो पी जाते हैं, बाद में सूखे कोफ्ते कोफ्ते रह जाते हैं डेफिनेटली, वो तो मतलब मैंने भी देखा है। और अब पानी ऐड कर दिया है यहाँ पर मैंने, बट यमी बहुत ही सब्ज़ी, पीहू की फेवरेट है, अभी पता लगा है मुझे, ये भी पीहू की फेवरेट है, अभी बताया है उसने भी। एंड अरब की भी फेवरेट है, अरब ने उस दिन बताया था कि कोफ्ते मेरे फेवरेट हैं। कहाँ जा रहे हो आप? खेलने से पहले क्या करने जा रहे हो? वीडियो का नहीं, अभी क्या बोल रहे थे, मैं क्या करने जा रही हूँ? सबको एक साथ करने। और क्या खेलेंगे? हाइड एंड सीक। हाइड एंड सीक खेलने के लिए सारे मेंबर्स एक साथ चाहिए, तो उनको इकट्ठा करने जा रही है पीहू। फिर कोई हम में से ही आएगा मम्मा को बुलाने। मैं नहीं खेलती आज, नहीं खेलना।
ये देखो मैं छोटी बच्ची हूँ क्या, छोटी बच्ची हूँ क्या, देखो मेरे को, मेरे साथ हाइड एंड सीख खेलते हैं ये लोग। मैं तो इतनी होगी मैं कहीं छुप भी नहीं सकती कहीं ना कहीं से नजर आ ही जाती हूँ, सबसे पहले पकड़ी जाती हूँ मैं। नहीं सबसे पहले मैं पकड़ी जाती हूँ पहले तो, लेकिन अब मम्मा मैं ही फंसती हूँ सबसे पहले। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो हमने आज हमने बनाए थे कोफ्ते और चावल, बहुत टेस्टी बने कोफ्ते। कैसे लगे पियू कोफ्ते? बहुत टेस्टी। वीडियो में ही नहीं है, वीडियो से बाहर है फोकस से। और आज हमने ना दिन में वियर की थी साड़ी और बहुत टेस्टी, उसमें हमने बनाई है काफ़ी अच्छी अच्छी रील्स, तो वो आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाकर चेक कीजिएगा, अर्चना गुजर ऑफिशियल एंड गुजर पीहू की इस नाम से है। और आजकल ना कान्हा जी की वीडियोस नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि न्यू सामान नहीं है, ओल्ड सामान की सारी वीडियोस हम अपलोड कर चुके हैं, तो बार बार सेम ही चीज़ अपलोड करके क्या फ़ायदा। तो ऑर्डर्स वगैरह भी उसी अकॉर्डिंग आते हैं जब वीडियो जाती है। तो अभी ड्रेस मेकिंग का काम चल रहा है। आज वैसे बहुत बिजी शेड्यूल था आज ना, पता नहीं दिन कैसे निकल गया, और फिर शाम को इसकी प्रिपरेशन में लग गए। कोफ्ते बनाने की बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है इसको बनाने में भी, आपको पता ही है जल्दी तो बनते नहीं है। और पीहू की डिमांड थी काफ़ी देर से घिया के कोफ्ते बनाने की, मेरे तो कोफ्ते थी लेकिन मुझे नहीं पता था कि कोफ्ते घिया से बनते हैं। तुझे क्या लगा था आलू से बनते हैं? ये देखो आलू के कोफ्ते बनते होंगे, आलू के कोफ्ते भी, हाँ आलू की पकौड़ी बनती होगी वैसी जैसी घी आगे बनती है, बट हम घी आगे बनाते हैं आलू के नहीं बनाते। बहुत टेस्टी लगती है मुझे वो। तो फ्रेंड्स चलिए इस वीडियो का यहीं पर ही एंड करते हैं क्योंकि 8 बज चुके हैं, हमारे खेलने का टाइम हो गया और कपड़े पड़े हैं प्रेस के। एक घंटा खेलते हैं, 9 बजे तक खेल लेंगे, उसके बाद घर आ जाएंगे। 7:58 उसके बाद घर आ जाएंगे और आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, गुड नाइट।